लोग इसे मकर संक्रांति कहते हैं तो कहीं उत्तरायण, कहीं पोंगल, लेकिन झारखंड में इसे टुसू के नाम से जाना जाता है। नमस्कार, मैं हूँ अर्चना और आप हो मेरे साथ द बज स्टोरी में। जैसा कि हम सभी को पता है, मकर संक्रांति का पर्व आ रहा है, साल का सबसे पहला पर्व, जिसमें लोग दही चूड़ा खाकर अपने साल का शुरुआत करते हैं और ये कामना करते हैं कि उनका आने वाला साल मंगलमय हो। इन सभी चीज़ों से जुड़ी बातें करूंगी और आपको रूबरू करवाऊंगी। आज मैं मौजूद हूँ पंडरा में, जहाँ तिलकुट का तिलकुट बनाया जाता है। तो यहाँ के जो ऑनर से हम बात करेंगे और जानेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। सर, पहले तो अपना इंट्रो हमारे व्यूवर्स को दे दें। मेरा नाम प्रदीप कुमार साहू, प्रदीप तिलकुट भंडार पंडरा से मैं बोल रहा हूँ। आप इस साल मकर संक्रांति को लेकर आपकी क्या क्या तैयारियां हैं? सर, मकर संक्रांति हर वर्ष की तरह इस बार भी तैयारी रहती है। जैसे कि हम लोग तिलकुट बनाते हैं वैरायटी ऊपर, चीनी का, गुड़ का, खोवा का, लाई, तिलपट्टी, काला तिल का लड्डू, गुड़ चूड़ा, दही दूध सब बिकता है दुकान से। लेकिन मार्केट इस बार लॉकडाउन से मंदा चल रहा है, बिक्री बटा बहुत कम है। कितने साल से आप इस सीजनल बिजनेस को चला रहे हैं? 15 साल से हमारा बिजनेस चल रहा है, ये लगभग पंद्रह में। आपका जो सीजनल बिजनेस है, इसमें कितने लोगों का सहयोग है? तीन चार लोगों का सहयोग रहता है हर एक वर्ष, इस बार उतना ही लोग का सहयोग है। जैसे कि कोरोना काल चल रहा है, कोरोना की वजह से कई लोगों के दुकान में बिजनेस में बढ़ाव चढ़ाव आया है, तो आपको क्या सामना करना पड़ा अपने इस दुकान के लिए? दुकान के लिए बहुत आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। लॉकडाउन लगने से सेल का बहुत कमजोर हो गया है, फिर भी देखिए कैसा रहता है बाजार आगे क्या होता है। कोरोना काल में लोग अपने एक सेफ्टी को लेकर काफ़ी जागरूक हो गए, तो अपने आप ग्राहकों को क्या सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हैं कोरोना काल में? हम लोग दुकानदार वैसे सब मास्क लगा के रह रहे हैं, स्टाफ भी, हम भी ग्राहक को सैनिटाइज करवा रहे हैं, सैनिटाइज रख के ये सब करके व्यवस्था करके चल रहा है। देखा आपने इस दुकान के ऑनर का क्या कहना था, इनसे और इनसी से बातों से जुड़े रहे हमारे साथ। जहाँ इस दुकान के कारीगर इस काम में सहयोग करते हैं उनसे बात करते हैं। आप अपना नाम हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए। मेरा नाम हुआ नरेश साह। आप कहाँ के रहने वाले हैं? गया का। आप इस सहयोग में, आप इस बिजनेस में कितने साल से अपना सहयोग दे रहे हैं? 15 साल। आप किस किस तरह का वैरायटी का तिलकुट का निर्माण करते हैं? गुड़ का, चीनी का, खोवा, तिलपट्टी, लड्डू, तिल लड्डू, रावड़ी, पापड़ी। कोरोना काल में आप पे क्या प्रभाव पड़ा है? बहुत भयानक काल पड़ा है, लेकिन ये जो है जो देखा आपने कि यहाँ के कारीगर का क्या कहना था। आइए, यहाँ मौजूद जो ग्राहक है उनसे भी बात करते हैं और पूछते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। आइए हम बात करते हैं यहाँ मौजूदा ग्राहक से, जिसने ग्राहकी की है। मैम, आप यहाँ किस चीज़ के लिए खरीदने के लिए आए हैं? तिलकुट खरीदने के लिए। आप कितने सालों से इस दुकान से खरीदारी कर रहे हैं? 5-6 सालों से। कोरोना काल चल रहा है, कोरोना में लोग अपनी सेफ्टी को ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो आपको इस दुकान पे और इन दुकानदारों पे इतना भरोसा है कि आपके सेफ्टी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? जी, मैं बहुत पहले से यहाँ से लेती हूँ और यहाँ सब लोग मास्क पहन के काम भी कर रहे हैं, सैनिटाइजर का भी यूज होता है, मैंने देखा है जी। तो जैसे कि कोरोना काल में काफ़ी चीज़ों के दाम में बढ़ोतरी हुई है, तो आपके इस तिलकुट के दामों में क्या बढ़ोतरी दिखी आपको? ज़्यादा नहीं, 10-20 रुपये का फ़र्क आया है पहले के। तो देखा आपने कि इन ग्राहकों का क्या कहना था। तो देखा आपने यहाँ मौजूदा जो ग्राहक थे उनका क्या कहना था तिलकुट को लेके। हमारे बीच एक छोटी सी बच्ची मौजूद है जो बड़े ही चाव से तिलकुट खा रही है। आइए हम इससे भी बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या इसको तिलकुट के बारे में पता है। आप क्या खा रहे हो? तिलकुट। आपको तिलकुट कैसा लगता है? अच्छा। तो जैसा कि देखा आपने, बच्चों के साथ साथ बड़ों में भी मकर संक्रांति को लेकर कितनी उमंग है। मकर संक्रांति का पर्व को लेकर बाजारों में धूम मची पड़ी है। तो बिजनेस से जुड़ी ऐसे ही सारे बातों के लिए हमारे साथ बने रहे द बज स्टोरी में। धन्यवाद।